तो क्या सच में कुछ आपने सीखा, नई चीजें या कुछ तब्दीली आई आपके परफॉर्मेंस में? बेसिकली मैं तो एक केमिस्ट्री टीचर हूँ, तो दिन में 6-7 घंटे पढ़ाने पड़ते हैं। तो ये जो ऑनलाइन का अभी जमाना शुरू हुआ है 1.5 साल से, तो मैं चाह रहा था कि मेरी जो आवाज हो वो वीडियो में भी काफी सुंदर आए। तो इस वजह से मेरा जो प्राइमरी मकसद था यही था। तो आज जब मैं ये चीज मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरी आवाज में जो चेंजेस आनी चाहिए, वो चेंजेस के लिए काम शुरू हो गया है। और मैं जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करूंगा और ज्यादा उसमें मैच्योरिटी आएगी। और मैं इसको मुझे पहले इसके बारे में पता ही नहीं था। हम तो जैसे बात करते हैं, जैसे नॉर्मल क्लास लेते हैं, वैसे ही क्लास लेते थे। लेकिन आज जब हमें पता चला कि 4 टाइप के आवाज हम निकाल सकते हैं, डायफ्राम से निकाल सकते हैं, चेस्ट से निकाल सकते हैं, थ्रोट से निकाल सकते हैं, नेजल से निकाल सकते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग करते थे, लेकिन पता नहीं था कि ऐसी आवाज होती है और ऐसे कंट्रोल किया जाता है। तो जब हम आवाज को कंट्रोल करें और अपने हिसाब से उसको चलाएं, तो वो हमारे हथियार हो जाते हैं। और उसी हथियार के साथ हम लोग मैदान जंग में जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त होगी। तो इसीलिए आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मुझे ये हथियार जो मेरे पास थे, मुझे उससे परिचय करवाया भरत सर ने। यस, थैंक यू सो मच। और आपको सबसे ज्यादा कौन से सेशन में मजा आया परफॉर्मेंस करते हुए? मुझे स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि हम लोग तो नैरेट ही करते हैं जब क्लासेस लेते हैं, तो वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज किया मेरे काम से, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये लास्ट डे का सेशन, जिसमें आपने बहुत सारे एक्सरसाइज मुझसे करवाया कि मुझे इस जो भी सीखा मैंने उसको जब अप्लाई करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करने के लिए कहा, और मैं वो कर पाया। आई वॉज एस्टोनिस्ड कि मैंने अपने वॉइस को मॉड्यूलेट की, एंड विद इन 5 डेज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये चीज यहां से लेके जा रहा हूं आज। राइट राइट। सो क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे ये ऑफकोर्स कोर्स? ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स, ये जो कोर्स भरत जी दे रहे हैं और 1-to-1 सेशन जो दे रहे हैं, दिस इज अमेजिंग। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट में गिना जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे सेशन मुझे, मैं तो बहुत सारे वर्कशॉप करता हूँ। मैं एक फिल्म मेकिंग का वर्कशॉप भी करने आया था यहाँ पर, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप लाइक शिव खेरा जी का प्रोग्राम भी मैंने किया है, रॉबिन शर्मा जी का प्रोग्राम भी किया है। बहुत सारे वर्कशॉप हम करते हैं जिसमें कुछ नया सीखने को मिल जाए, लेकिन दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्कशॉप। एंड इसमें मुझे जो चेंजेस अपने अंदर इमीडिएट इफेक्ट के साथ मिल रही है ना, वो मैंने इमेजिन तक नहीं किया था। यस, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थे मिस्टर SD मिश्रा जो रांची से आए थे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके का कोई कोर्स ज्वाइन करने में, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम, तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।